मेरा नाम है सैफ खान, आपका स्वागत है मेरे चैनल अपनर में। तो भाई आज आ चुकी है मोस्ट अवेटेड मूवीज रोहित शेट्टी की, इस साल की मूवी जिसका बहुत ही टाइम से इंतजार था। और ये मूवी देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, तो मैं इस मूवी को देखने गया। बट जो रिज़ल्ट सामने आया, इतनी ज़्यादा पकाऊ बकवास मूवी है, इससे आपका दिमाग ख़राब होने वाला है। इस मूवी में कुछ ऐसा नहीं जो आपको एंटरटेन करेगा, बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर मूवी है। मैंने पहले ही बोला था, ट्रेलर से मुझे लग ही गया था कि मूवी बहुत ही ज़्यादा बकवास होने वाली है, वो वही साबित हुआ। क्योंकि इसमें फुल जो इनका रोहित शेट्टी का जो इतने ओल्ड सेट सारे सेट दिखाए, गोलमाल की सारी स्टार कास्ट को आपको मिल जाएगी देखने को, वही सारे मल्टीपल स्टार इतने ज़्यादा से भर भर के हैं। और इतने टैलेंटेड एक्टर को इस तरह से वेस्ट किया, जो इतनी ज़्यादा इसकी स्क्रिप्ट बेकार थी, कहीं पे भी आपको हंसी नहीं आएगी। एक जो बस संजय मिश्रा ने शुरू से लास्ट तक उन्होंने मूवी को इंटरटेन किया, वो भी कुछ कुछ जगह पे, वही इसके रियल हीरो विलन है इस मूवी के, वो मज़ा। बस जो इसका स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा वीक है, स्टार्टिंग वहीं से होती है जो गोलमाल में जो उनका था, जमुना दास अनाथालय से फिर से वहीं से चार बच्चे अडॉप्ट करते हैं, और वो एक दूसरे परिवार में जाता, अमीर परिवार में, एक सर्कस परिवार में जाता, वहीं से स्टोरी शुरू होती। फिर स्टोरी है 1952 की, मतलब पूरा ओल्ड सेटअप दिखाया गया इसमें, बट वो सब फेक लगता है, कुछ भी मज़ा नहीं आता देखने में। और फिर 25 साल आगे कहानी बढ़ती है, फिर कैसे के लोग मिलते हैं बिजनेस के सिलसिले में, वहीं से कन्फ्यूज़न शुरू होता है। वो कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा बकवास लगता है, कुछ भी मज़ा नहीं आता। रणवीर सिंह की एक्टिंग इतनी बकवास लगी इसमें, कोई काम उनका अच्छा नहीं लगा। जैकलिन फर्नांडिस एक्टर एक्टिंग आती नहीं, पूजा हेगड़े थोड़ी ठीक लगी हैं, जॉनी लीवर थोड़े एंटरटेन करते हैं, वरुण शर्मा जो फुकरे की जैसी सेम एक्टिंग करते हुए हर मूवी में, उनका कोई नया रोल नहीं रहता, वही पंचेस ओल्ड, वही एक्सप्रेशन, कुछ नया नहीं रहता। तो मूवी बिल्कुल बोकस है, क्योंकि इसको आप एंटरटेन कर ही सकते, दर्शक लोग उठ उठ के जा रहे थे, इसको झेल नहीं पा रहे थे, ये इतनी ज़्यादा पकाऊ मूवी है। मुझे ट्रेलर से समझ में आ गया था कि इसमें कुछ नहीं नया है, कुछ नहीं, क्योंकि आज के ज़माने में सर्कस का टाइटल लेके आप लोगों को भुला नहीं पाओगे, क्योंकि ज़माना इतना आगे आ चुका, 5G आ चुका है, और सर्कस दिखा रहे हो आप, और सर्कस के नाम पे भी चूतिया काटा है, क्योंकि उस सर्कस में कुछ है ही नहीं, कुछ भी रोल नहीं जमा है, मतलब आप कहीं से भी इसको एंटरटेन नहीं कर पाओगे। वर्ड मतलब इस साल की सबसे वाहियात मूवी है ये सर्कस। बस खाली दीपिका का जो गाना है वो थोड़ा अच्छा लगेगा, बाकी कोई गाने इसमें अच्छे नहीं जो आपको अच्छा लगे। एक्टिंग के नाम पे ज़ीरो, इसको रेटिंग सबसे कम रेटिंग मिलेगी मेरे हिसाब से। अगर आप देखो, मैं तो इसको 10 में 1 स्टार भी दूंगा अगर दूंगा, क्योंकि तो इतनी ज़्यादा वाहियात मूवी है। एंटरटेन के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो है मूवी। तो अगर आप जाने की सोच रहे हो तो भाई मत जाना, अगर पैसा और टाइम फालतू हो तो ज़रूर जो एंटरटेन कराओ। अगर आप अभी तक, अगर आप फैन रणवीर सिंह के तो जरूर देखाओ, अगर टाइम फालतू तो जरूर देखाओ, बाकी इसको देखने मत जाना, टॉर्चर है, फुली टॉर्चर है। इसे जाके अवतार देख के आओ, मज़ा आएगी, फुल दोबारा जाओ, और इस मूवी को प्लीज़ भाई मत जाना, टॉर्चर, फुली टॉर्चर मूवी। तो कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करना। मूवी अगर आप देख के आओ तो आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, और कितनी ज़्यादा टॉर्चर थी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।